हेलो एंड वेलकम टू यूनिक क्रिएटर्स। सो यहाँ पे PT 365 जो है इकनॉमी की वो कंप्लीट हो रही है एंड ये पार्ट थर्ड होगा। यहाँ पे जो यूनिट्स कवर करने वाला हूँ मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ। लास्ट पार्ट मैंने बताया था क्या कवर करूँगा। सो बेसिकली यूनिट 3 जो है लेबर एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट और यूनिट 4 बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी, दोनों मिला के बहुत छोटे से हैं तो जल्दी से कवर कर लेते हैं। यहाँ पर ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होगी। सो लेट्स स्टार्ट हियर। So let's start with our first topic that is periodic labor force survey PLFS। ये न्यूज़ में क्यों आया? क्योंकि recently the periodic labor force survey जो है 2022-23 का वो रिलीज़ हुआ। LFPR means labor force participation rate increase हुआ यहाँ पे 55.2% से 57.9% तक। मेल को देखें तो 78.5% एंड फीमेल 37% थी इसमें इन 22-23 compared to last year। ओके, देन अबाउट पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे PLFS की बात करते हैं। ये लॉन्च किया गया था NSSO द्वारा, नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, इन 2017। आप इस बॉडी के बारे में पढ़ सकते हो। द की ऑब्जेक्टिव जो है PLFS का वो है एस्टिमेट करना क्या एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट इंडिकेटर्स को, जैसे कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, अनएम्प्लॉयमेंट रेट। एनुअली ये इवेलुएट करता है एंड कौन से एक्टिविटी स्टेटस के जरिए करंट वीकली स्टेटस अप्रोच यूज़ करता है फॉर द अर्बन एरियाज़। ओके, ओनली इन फॉरेन इंटरवल ऑफ 3 मंथ्स, सिर्फ जो इंटरवल होता है वो 3 मंथ्स का ही होता है वहाँ पे। एंड अगर यूजुअल स्टेटस एंड करंट वीकली स्टेटस को बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज़ में कैलकुलेट करें तो एनुअली भी कैलकुलेट करते हैं। ओके, और अर्बन एरियाज़ में 3 मंथ्स वाला भी होता है एक अलग से। ओके, रूरल में नहीं होता वो। देन यहाँ पे की फाइंडिंग्स एंड लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन सर्वे की इंडिकेटर्स एंड सो ऑन। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट की बात करें तो टोटल जो था 49.8% था 2017-18 में, जो कि 57.9% हो गया, इंक्रीज़ हुआ है ये। रूरल में 50.7% से 60.8% पहुंच गया है, अर्बन का 47.6% से 50.4%। देन मेल की बात करें तो 75.8% था, अब 78.5% है। फीमेल 23.3% थी, 37% हो गई हैं। वर्कर पॉपुलेशन रेशियो जो है वो 46.8% से 56% पहुंच गया एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो टोटल 6% से अब घट के 3.2%। ये अच्छी बात है। ओके, ये डिक्रीज़ हुआ है और होना भी चाहिए। यहाँ पे की इंडिकेटर्स जो हैं यूज़ किए जाते हैं पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे में, हम उनकी बात करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट दिया हुआ है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट LFPR। ये इंडिकेट करता है परसेंटेज ऑफ पर्सनस जो हैं लेबर फोर्स में, दैट इज़ वर्किंग, वो लोग जो वर्क कर रहे हैं, जो देख रहे हैं काम करने को या फिर अवेलेबल है काम करने के लिए, वो लेबर फोर्स में आते हैं। ओके, पॉपुलेशन में। देन यहाँ पे वर्कर पॉपुलेशन रेशियो दिया गया है। ये वो लोग हैं जो परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन है, जो परसेंटेज है एम्प्लॉयड पर्सन की पॉपुलेशन में। देन अनएम्प्लॉयमेंट रेट, वो लोग जो अनएम्प्लॉयड हैं अमंग दोज इन लेबर फोर्स। ओके, जो यहाँ पे लोग थे वर्किंग, सीकिंग और अवेलेबल फॉर वर्क, उनमें से जो अनएम्प्लॉयड हैं वो है अनएम्प्लॉयमेंट रेट। ओके, एक्टिविटी स्टेटस की बात करें तो ये डिटरमाइन किया जाता है बेस्ड ऑन एक्टिविटीज़ जो भी परस्यू की गई हैं लोगों द्वारा एक स्पेसिफाइड रेफरेंस पीरियड में, सर्वे से पहले। ओके, देन यूजुअल स्टेटस में रेफरेंस पीरियड 365 डेज़ का होता है। करंट वीकली स्टेटस में रेफरेंस पीरियड जो होता है 7 डेज़ का होता है। देन यहाँ पे पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे फाइंडिंग्स ऑन जेंडर पे गैप, ये देखते हैं हम। 2023 में ये ऑब्जर्व किया गया है कि जो गैप है वर्किंग आवर्स में वो लार्जेस्ट कब देखा गया है सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स के बीच में, जहाँ पे 50% ज़्यादा है मेंस का काम। ओके, एंड लोवेस्ट कहाँ पे देखा गया है रेगुलर वेज वर्कर्स में 19%। गैप मीन्स फीमेल एंड मेल के बीच में। ओके, देन ऑल्सो जो मेंस हैं वो ज़्यादा अर्न करते हैं वुमेन्स से अक्रॉस ऑल फॉर्म्स ऑफ वर्क, कैसा भी काम हो उसमें। और जो गैप है सबसे ज़्यादा सेल्फ एम्प्लॉयड में यहाँ भी देखा गया है। देन 2023 की बात करें तो मेल सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स जो है उन्होंने 2.8 टाइम्स ज़्यादा अर्न किया है देन वुमेन, जबकि मेल रेगुलर वेज वर्कर्स में बात करें तो 24% उन्होंने ज़्यादा अर्न किया। देन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है रूरल वुमेन्स का वो इंक्रीज़ हुआ है और ये सिग्निफिकेंट राइज है इन प्रपोर्शन ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन। ओके, सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स में ज़्यादा राइज हुआ है, जबकि द एवरेज आवर्स जो है वर्क जो वर्क कर रहे थे पर वीक रूरल सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन वो कम हुआ है 37.1 से लेकर के 30.1 तक। ये अच्छी बात है। ओके, अब हम देखेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स वुमेन इन लेबर फोर्स। ये न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि जो स्वरिजेस रिक्स बैंक प्राइज़ इन इकोनॉमिक साइंसेज है इन मेमोरी ऑफ एल्फ्रेड नोबेल 2023, इन्होंने अवार्ड किया है क्लॉडिया गोल्डन को नोबेल प्राइज़। ओके, किस लिए? फॉर एडवांसिंग। इन्होंने एडवांस किया है अंडरस्टैंडिंग जो थी वुमेन्स की लेबर मार्केट आउटकम्स में, इसलिए। आइए आगे चलते हैं। अबाउट नोबेल प्राइज़, इसके बारे में बात करते हैं। ये एक इंटरनेशनल अवार्ड है, एडमिनिस्टर किया जाता है बाय द नोबेल फाउंडेशन इन स्टॉकहोम स्वीडन एंड बेस्ड है लास्ट विल पे अल्फ्रेड नोबेल की, जो कि डाई हुए थे इन 1895। ओके, ये इंस्टीट्यूट किया गया था 1901 में। इसे एनुअली दिया जाता है 5 कैटेगरीज में टू पीपल। क्यों? फॉर द ग्रेटेस्ट बेनिफिट ऑफ ह्यूमन काइंड जो करते हैं इन प्रीसीडिंग ईयर। 6 कैटेगरी जो है नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक साइंसेज, वो इंस्टीट्यूट हुआ था 1968 में बाय द रॉयल बैंक ऑफ स्वीडन एंड पहली बार दिया गया था 1969 में। कौन अवार्ड करता है ये प्राइज़? जो रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज है वो अवार्ड करता है नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स। देन जो नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर है वो अवार्ड किया जाता है बाय द स्वीडिश एकेडमी स्टॉकहोम स्वीडन। देन थर्ड, नोबेल असेंबली एट कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट स्टॉकहोम स्वीडन अवार्ड करती है नोबेल प्राइज़ इन मेडिसिन, दैट इज़ फिजियोलॉजी। एंड जो नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी है जो कॉन्स्टिट्यूट की गई थी बाय नॉर्वेजियन पार्लियामेंट, वो अवार्ड करती है नोबेल पीस प्राइज़। ओके, व्हाट डू द विनर्स रिसीव? विनर्स क्या रिसीव करते हैं? एक नोबेल डिप्लोमा होता है, ईच ऑफ विच इज़ अ यूनिक वर्क ऑफ आर्ट वो होता है। एक नोबेल मेडल होता है और एक कैश प्राइज़ होता है सेट स्वीडिश क्रोनर SEK के $11 मिलियन होता है पर फुल नोबेल प्राइज़ फॉर, ये फुल नोबेल प्राइज़ के लिए होता है। ओके, पार्ट सबको मिला जुला के भी मिलता है तो वैसे भी देते हैं, आधा दे दिया या फिर 25% दे दिया, ऐसे भी होता है। ओके, द नोबेल प्राइज़ स्टैट्यूट्स जो भी हैं प्रोहिबिट करते हैं जजेस को फ्रॉम डिस्कसिंग देयर डेलिब्रेशंस फॉर 50 ईयर्स। नाउ नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे फैक्टर्स कौन से हैं जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन को। यहाँ पे गोल्डन के एक यू कर्व की बात की गई है जो डेमोन्स्ट्रेट करता है कि कोई हिस्टोरिकल कंसिस्टेंट एसोसिएशन नहीं है बिटवीन इस बात में कि वुमेन का पार्टिसिपेशन जो है लेबर मार्केट में एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, ऐसा कुछ दोनों मैच करते हैं एक दूसरे से। ओके, दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय फॉलोइंग, वो इन्फ्लुएंस होते हैं इन चीज़ों से जैसे सोशल नॉर्म्स हैं, पेरेंटहुड इफेक्ट है, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस हैं, ये देखते हैं। ओके, फर्स्ट यहाँ पे सोशल नॉर्म्स हैं, लेजिस्लेटिव गैप्स जो होते हैं एंड कस्टम्स होते हैं वो, जैसे कि मैरिज बार्स हो गए जिन्हें मैरिज बार्स हम बोलते हैं, वो प्रिवेंट करते हैं, रोकते हैं मैरिड वुमेंस को कंटिन्यू करने से एम्प्लॉयमेंट को, जबकि इंक्रीज डिमांड फॉर लेबर हम देख सकते हैं। ओके, पेरेंटहुड इफेक्ट है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है चाइल्ड केयर की वुमेंस पे ज़्यादा होती है देन मेन, जो अफेक्ट करती है उनके कैरियर को। देन टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस की वजह से कॉन्ट्रासेप्टिव पिल जो हैं वो रिजल्ट करते हैं वुमेन्स को कि वो मैरिज डिले कर देती हैं, चाइल्ड बर्थ करती हैं और इससे बेनिफिट होता है, दस इंक्रीजिंग देयर एजुकेशन एंड कैरियर प्रॉस्पेक्ट्स। ये पॉजिटिव चीज़ है यहाँ पे। देन हम यहाँ पे देखते हैं कि ये यू शेप्ड रिलेशनशिप क्या है। डेवलपमेंट प्रोसेस में क्या होता है कि फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन जो होता है पहले डिलाइन होता है एंड देन राइज होता है, ये आप देख सकते हो यहाँ पे कैसे देखने को मिलता है। वुमेन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन जो होता है हाई होता है पूरेस्ट कंट्रीज़ में जो कि यहाँ आ गई। ओके, हाई इन एग्रीकल्चर, बहुत ज़्यादा होता है एग्रीकल्चर में। देन लो होता है मिडिल इनकम कंट्रीज़ के जो कि आप यहाँ देख सकते हो, एंड देन राइज होता है फिर से अमंग हाई इनकम कंट्रीज़। और ये आप अपने गाँव वगैरह में भी, और गाँव और US को कंपेयर कर लो एंड देन मिडिल इनकम को ग्रुप को, तो आप वहाँ पे इजीली देख सकते हो। ओके, यहाँ पे एग्रीकल्चर इंडस्ट्री देन सर्विस सोसाइटी एंड कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स वगैरह की वजह से ये इंक्रीज़ हो जाता है बाद में, तो ये यहाँ पे इंडिकेट किया गया है। देन नेक्स्ट है मेजर्स जो लिए गए हैं फॉर रिड्यूसिंग जेंडर गैप इन इंडिया, वो हम बात करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट है कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी है, मैटरनिटी लीव प्रोवाइड किया जाती है 26 वीक्स की, मैंडेटरी क्रेच फैसिलिटी एट्सेट्रा। क्रेच फैसिलिटी मीन्स क्या होता है? बेबी सिटिंग एंड ऑल। ओके, कोड ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस OSS 2020 में बताया जाता है कि एम्प्लॉयमेंट जो है वुमेन की इन द अबव ग्राउंड माइंस होनी चाहिए एंड इन बिलो ग्राउंड वर्किंग इन टेक्निकल सुपरवाइजरी एंड मैनेजरियल वर्क में। देन कोड ऑन वेजेस जो है 2019 को बताता है कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए एम्प्लॉयज़ में ऑन द ग्राउंड ऑफ जेंडर। आगे चलते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गिग इकॉनमी। ये न्यूज़ में क्यों आया था? क्योंकि सेवरल इश्यूज़ देखे गए हैं रिसेंट पास्ट में गिग वर्कर्स के बीच में, इंक्लूडिंग स्ट्राइक हो गई बाय ब्लिंकिट वर्कर्स, प्रोटेस्ट हो गया जोमेटो एंड स्विगी डिलीवरी राइडर्स का, अमंग अदर्स। गिग इकॉनमी एंड गिग वर्कर के बारे में बात करें तो गिग इकॉनमी क्या होती है? एक फ्री मार्केट सिस्टम होता है जिसमें टेम्परेरी पोजिशंस जो होती हैं वो कॉमन होती हैं एंड ऑर्गेनाइजेशंस कॉन्ट्रैक्ट करती हैं इंडिपेंडेंट वर्कर्स के साथ में फॉर शॉर्ट टर्म इंगेजमेंट। ये आप देखते होंगे कभी भी कोई भी वर्कर ये फ्लिपकार्ट वगैरह का चेंज हो जाता है। ओके, गिग वर्कर्स जो हैं वो वर्कर्स होते हैं जो इंगेज करते हैं लाइवलीहुड में आउटसाइड द ट्रेडिशनल एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। ये रिलेशनशिप यहाँ पे अरेंजमेंट देखने को नहीं मिलती है। दे कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू प्लेटफॉर्म गिग वर्कर्स होते हैं जिनका वर्क जो है वो बेस्ड ऑन ऑनलाइन सॉफ्टवेयर्स है या ऐप्स या डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हो गए सच एज फूड एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म्स जोमेटो, स्विगी, ओला एंड अदर्स। ओके, नॉन प्लेटफॉर्म गिग वर्कर्स होते हैं ये जनरली कैजुअल वेस्ड एंड ओन अकाउंट वर्कर्स होते हैं कन्वेंशनल सेक्टर में जो कि इंगेज करते हैं पार्ट टाइम या फुल टाइम वर्क में। देन रीजंस क्या हैं फॉर इंक्रीज इन गिग इकोनॉमी? वाइड स्प्रेड एक्सेस टू द इंटरनेट, यहाँ पे इंटरनेट का वाइड स्प्रेड एक्सेस है उसकी वजह से जो रैपिड इंक्रीज हुआ है स्टार्टअप इकोसिस्टम में, इंटर ऑपरेबिलिटी देखने को मिलती है प्लेटफॉर्म्स के बीच में एंड चेंजिंग वर्क अप्रोच भी यहाँ पे ये भी एक रीज़न है। देन राइजिंग डिमांड जो है कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़ की वो भी एक रीज़न है फॉर इंक्रीज इन गिग इकॉनमी। देन यहाँ पे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ गिग इकॉनमी इन इंडिया, ये क्या है ये डिस्कस करते हैं हम। सो यहाँ पे द कोड ऑन वेजेस 2019 है, ये प्रोवाइड करता है यूनिवर्सल मिनिमम वेज को एंड फ्लोर वेज को अक्रॉस ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स इंक्लूडिंग गिग वर्कर्स, यहाँ पे गिग वर्कर्स इंक्लूडेड होते हैं। कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 की बात करें तो ये प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है गिग वर्कर्स के राइट्स को, कैसे? बाय गिविंग देम सोशल सिक्योरिटी प्रोटेक्शंस, जैसे कि ये अटेम्प्ट करता है डिफाइन करने के लिए गिग प्लेटफॉर्म क्या होता है, अनऑर्गेनाइज वर्कर्स क्या होते हैं, वाइल स्पेलिंग आउट एंटाइटलमेंट्स। इट ऑल्सो प्रपोज, ये और भी प्रपोज करता है कि इस्टेब्लिश करेगा सोशल सिक्योरिटी फंड को एंड नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड को सुपरवाइज एंड फॉर्मुलेट करने के लिए स्कीम्स को फॉर द वेल बींग ऑफ गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स। यहाँ पे देखते हैं सिग्निफिकेंस क्या है गिग इकोनॉमी की। यहाँ पे कंज्यूमर्स के लिए बात करें तो ये प्रोवाइड करता है पर्सनलाइज सर्विसेज एंड टाइम एंड मनी को सेव करता है। देन अगर एम्प्लॉयज़ के लिए बात करें, जो लोग एम्प्लॉयड किए जाते हैं वहाँ पे उन्हें फ्लेक्सिबिलिटी वर्क फैसिलिटी प्रोवाइड होती है, ये इनेबल करता है कि वो रिमोटली वर्क कर सकते हैं, वर्क लाइफ बैलेंस को प्रोवाइड करता है, मींस काम भी कर सकते हैं पढ़ाई भी कर सकते हैं वैसा। ओके, कंट्री को क्या इससे सिग्निफिकेंस होता है? ये एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता है, सर्व करता है नीड वेरियस सेक्टर्स की एंड सेक्शंस की सोसाइटी के, स्टार्टअप्स इसकी वजह से थ्राइव कर पाते हैं, इकॉनमी बूस्ट होती है। एम्प्लॉयर्स के लिए बात करें तो लो कॉस्ट लेबर प्रोवाइड होता है, कंप्लायंस कॉस्ट भी लो होती है एंड डाइवर्स पूल ऑफ लेबर यहाँ पे प्रोवाइडेड होता है उनके लिए। देन यहाँ पे अदर रिसेंट डेवलपमेंट्स हैं रिगार्डिंग गिग इकोनॉमी एंड गिग वर्कर्स, ये देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आता है द स्टैंडिंग कमेटी ऑन लेबर टेक्सटाइल्स एंड स्किल डेवलपमेंट, जो है उसने मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट को बोला है कि फॉर्मुलेट करे एंड इम्प्लीमेंट करे वेलफेयर स्कीम्स, किसके लिए? गिग वर्कर्स के लिए कंट्री में। देन G20 लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर्स मीटिंग जो 2023 की कॉन्क्लूड हुई वो अडॉप्टिंग एंड आउटकम डॉक्यूमेंट, किस पे? सस्टेनेबल सोशल प्रोटेक्शन फॉर गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स पे। देन राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट ने पहल की है, एक बिल क्रिएट किया है वेलफेयर बिल फॉर द गिग वर्कर्स इन द स्टेट इन राजस्थान बाई पासिंग अ, क्या पास किया है? प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स रजिस्ट्रेशन एंड वेलफेयर बिल 2023। अब अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे। देन ये हमारी फोर्थ यूनिट है बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी। फर्स्ट टॉपिक है इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशियो ICRR, सिमिलर टू ICRR होता है, हम देखेंगे यहाँ पे न्यूज़ में क्यों था ये। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यूज़ किया इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशियो को, किस लिए? कि वो एब्जॉर्ब कर सके जो सरप्लस लिक्विडिटी है सिस्टम में। फर्दर ICRR डिसकॉन्टिन्यू किया गया फेस्ड मैनर में जब लिक्विडिटी सिचुएशन स्टेबलाइज होने लगी। CRR एंड ICRR, कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है? ये वो शेयर होता है बैंक की नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज़ का जो कि मैंडेटेड होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा कि वो मेंटेन किया जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ, एज रिजर्व्स रख दिया जाएगा उनके पास इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड कैश। याद रखना लिक्विड कैश की तरह, गोल्ड वगैरह में नहीं रख सकते। नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज़ क्या है? ये डिफरेंस शो करती हैं किसके बीच में? पहला तो हो गया जो सम है डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज़ का, बैंक की जो भी डिपॉजिट्स है मींस विद द पब्लिक सेक्टर हो या फिर अदर बैंक्स हो, एंड जो डिपॉजिट्स होते हैं उनके बीच में इन द फॉर्म ऑफ असेट्स हेल्ड बाय द अदर बैंक। ओके, एज पर द RBI एक्ट अगर 1934 बात करें, जो भी शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक्स होती हैं, सारी शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक्स कौन सी, जो कि इंक्लूड करते हैं पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, फॉरेन बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स, ओके, वो रिक्वायर्ड होती हैं, उन्हें नीडेड होता है कि वो मेंटेन करें सीआरआर आरबीआई के साथ। देन इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है, ये सिमिलर टू सीआरआर होता है, जहाँ पे बैंक्स को नीडेड होता है कि वो एक सर्टेन पोर्शन ऑफ मनी जो है वो साइड में रख दें विद द आरबीआई। यहाँ पे वो कोई इंटरेस्ट इस पर अर्न नहीं करते हैं। इट हैज़ फॉलोइंग डिफरेंसेस। डिफरेंस क्या होता है सीआरआर से, इसमें बहुत माइन्यूट है। आरबीआई के पास ऑप्शन होता है इम्पोज करने का आईसीआरआर इन एडिशन टू सीआरआर, ओके, एंड जो इंटरेस्ट रेट इस पर चार्ज किया जाता है वो डिफरेंट होता है सीआरआर से, ओके। सो हाउ सीआरआर आईसीआरआर इज अप्लाइड अलॉन्ग विथ सीआरआर, हम यहाँ पे ये देखेंगे। एप्लीकेशन जो है ओनली सीआरआर पे अगर देखेंगे तो से कि नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज जो है वो 100 रुपये हैं, ओके, एंड एप्लीकेशन जो है सीआरआर का वो 4.5% है, तो 4.5 रुपीज़ जो होंगे वो डिपॉजिट फ्रॉम सीआरआर वो साइड में रख दिया जाएगा। सो टोटल मेंटेनेंस विद आरबीआई क्या हुई, वो रुपीज़ 4.5 हो गई। देन एप्लीकेशन ऑफ आईसीआरआर अगर किया गया विद सीआरआर, तो यहाँ पे अगर नेट मान लो कि नई जो नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज़ हैं वो 150 रुपीज़ हैं, एप्लीकेशन जो उस पर अप्लाई किया गया सीआरआर वो 4.5% का था, तो 6.75 उसका 4.5% होगा। एंड देन इंक्रीज़ इन जो नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज़ था वो 50 रुपीज़, यहाँ पे 100 था, इंक्रीज़ कितना हुआ था, 50 हुआ था, तो यहाँ पे इन्होंने अप्लाई कर दिया आईसीआरआर को खुद से, आरबीआई ने 10%, तो जो इंक्रीज था इसका जो 10% होगा 5 रुपीज़, वो यहाँ पे अलग रखना पड़ेगा। तो टोटल 6.75 प्लस ₹5 मीन्स टोटल मेंटेनेंस जो आरबीआई के साथ होगी वो 11.75 एज अ होल पे नहीं, कि 150 पे वो 10% नहीं होगा, जो इंक्रीज्ड नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज़ होंगी उन पे होगा, ओके। देन यहाँ पे इफेक्ट क्या है आईसीआरआर का वो हम देखते हैं। देन यहाँ पे इफेक्ट्स क्या है सीआरआर आईसीआरआर के, ये लिक्विडिटी मैनेज करता है। क्या हुआ था कि रिसेंट इंक्रीज देखी गई थी लिक्विडिटी में इकोनॉमी में, ड्यू टू क्योंकि यहाँ पे पिकअप हुआ था गवर्नमेंट स्पेंडिंग में, सस्टेन्ड फॉरेन इन्फ्लोज भी थे, एंड विड्रॉल हुआ था ₹2000 नोट्स का अमंग अदर्स। इन्फ्लेशन कंट्रोल हो सकता है इसके इफेक्ट से। कैसे? इंडिया का जो रिटेल इन्फ्लेशन है, जो कि मेजर किया जाता है बाय कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, वो राइज हुआ था 7.5% तक इन जुलाई कंपेयर्ड विद 4.9% इन जून। हैंस यहाँ पे रिक्वायर्ड था कि एक टाइटर मॉनेटरी पॉलिसी आए। देन बैंकिंग रेजिलियंस, जो इंक्रीमेंटल सीआरआर होता है वो इंक्रीज करता है प्रोटेक्शन को अगेंस्ट द पोटेंशियल थ्रेट ऑफ बैंक रन, की बैंक रन ना हो जाए, ओके। बैंक रन क्या होता है, जब कस्टमर्स होते हैं किसी भी बैंक के या फिर किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के, विड्रॉ करने लगते हैं अपने डिपॉजिट सेम टाइम पे, इस फेयर की वजह से कि कहीं बैंक सॉल्वेंट ना हो जाए, ओके। डिक्रीज लैंडिंग इसका इफेक्ट है, ओके। लोअर लैंडिंग होती है तो ये क्या करती है कि डाउन कर देती है डिमांड्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, एंड रिड्यूस करती है एग्रीगेट डिमांड जो होती है इकोनॉमी की, ओके। लेट्स गो टू नेक्स्ट पेज। देन यहाँ पे अदर लिक्विडिटी मैनेजमेंट टूल्स के बारे में बात की गई है। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी STF, ये अलाउ करती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कि वो एब्जॉर्ब कर सके लिक्विडिटी जो डिपॉजिट्स हैं बैंक से, विदाउट गिविंग देम, बिना किसी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को दिए हुए, इन रिटर्न टू द बैंक्स, ओके। बिना किसी सिक्योरिटी के ही पैसे ले लो और रख लो, ओके। अल्टरिंग रेपो एंड रिवर्स रेपो रेट्स, ये क्या होता है कि ये अगर रेट्स अल्टर किए जाएंगे, चेंज किए जाएंगे, तो ये डायरेक्टली अफेक्ट करेंगे डिपॉजिट रेट जो है बैंक में, एज वेल एज उनके लेंडिंग रेट्स जो हैं, तो उसे भी कंट्रोल करते हैं, मैनेज करते हैं। ओपन मार्केट ऑपरेशन, यहाँ पे क्या होता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन कहते हैं सेल या परचेस जो होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का, फिर बॉन्ड्स आप बोल लो, बाय द आरबीआई। देन वेज एंड मीन्स एडवांसेस होते हैं, ये टेम्प्रेरी लोन फैसिलिटी जो प्रोवाइड किया जाती है सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट को, वो होती है। देन यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है सरप्लस ट्रांसफर बाय आरबीआई, ओके। ये न्यूज़ में क्यों था? रिसेंटली क्या हुआ था, आरबीआई ने 87,416 करोड़ रुपए सरप्लस जो था वो ट्रांसफ़र किया था यूनियन गवर्नमेंट को 2022-23 में, जो कि एक 188% जंप था 2021-2022 से, ओके। और भी न्यूज़ में अगर बात करें तो आरबीआई जो होती है उसको रिक्वायरमेंट नहीं होती है कि वो इनकम टैक्स पे करे, जो भी, तो वो क्या करती है, जो भी सरप्लस होता है उसे ट्रांसफ़र कर देती है गवर्नमेंट को इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 47 एलोकेशन ऑफ सरप्लस प्रॉफिट्स आरबीआई एक्ट 1934। आरबीआई का जो टोटल एक्सपेंडिचर होता है, जो भी खर्च करते हैं, वो काफ़ी कम होता है उसकी टोटल नेट इंटरेस्ट इनकम से, इसलिए उसे सरप्लस जनरेट होता है वहाँ पे। और पहले क्या होता था कि आरबीआई जो ये सरप्लस होता था वो अपने पास रख लेती थी, कंटेंजेंसी फंड में एंड असेंट डेवलपमेंट फंड में रख देती थी, ओके। देन मलेगम कमेटी 2013 ने रिकमेंड किया कि, एंड उसके बाद इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क 2015 बाय बिमल जलन कमेटी ने भी रिकमेंड किया कि ये ट्रांसफ़र कर देना चाहिए गवर्नमेंट को, तब से वो ट्रांसफ़र करने लगी। देन यहाँ पे बात की गई है आरबीआई सरप्लस ट्रांसफर्ड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय टू द सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में देखते हैं। ये चार्ट दिया गया है कि कब कितना किया गया, तो 2011-12 में आप देखो तो सिर्फ 15,009 करोड़ 15,009 करोड़ ही किया गया था, बट इस बार 99,112 करोड़। ये कब का है? 2020-21 का है। एंड दिस ईयर ये जंप हुआ है, 87,416 करोड़ किया है, जो कि 188% जंप था 2021-22 से। ओके, सो ये 2020 एंड 21 का दिया गया था जो कि ज़्यादा था, तो यहाँ पे 2 साल का दिया गया 2021-22 का एंड उसके बाद का। सो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांजिशन फ्रॉम लंडन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट दैट इज़ लिबोर। ये आरबीआई ने बोला है कि ट्रांजिशन कर लो इससे। ओके, ये न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इश्यू की एडवाइजरी बैंक्स को एंड अदर आरबीआई रेगुलेटेड एंटिटीज़ को और बोला कि स्टेप्स लो टू इंश्योर, ये इंश्योर करने के लिए कंप्लीट ट्रांजिशन हो जाना चाहिए लंडन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट से दूर जाना है। ओके, मोर ऑन न्यूज़। और क्या था? लिबोर एंड मिफोर जो है ये फेज आउट होंगे। मिफोर क्या है? मुंबई इंटरबैंक फॉरवर्ड आउटराइट रेट है। ओके, ये एक डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट है, इंटरेस्ट रेट बेंचमार्क है जो कि प्रेजेंटली पब्लिश किया जाता है बाय फाइनेंशियल बेंचमार्क्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड FBIL द्वारा। बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो भी होते हैं उन्हें एडवाइस किया गया है ये इंश्योर करने के लिए कोई नया ट्रांजैक्शन नहीं अंडरटेक किया जाना चाहिए बाय देम, उनके द्वारा या फिर उनके कस्टमर्स द्वारा जो कि रिलाई करते हैं फिर रिलाई ऑन और प्राइस्ड हैं यूजिंग द US डॉलर लिबोर और मिफोर। देन ग्लोबल ट्रांजिशन फ्रॉम लिबोर जो है ये नेसेसरी क्यों था? क्योंकि ब्रिटिश फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अथॉरिटीज़ जो थी, ब्रिटिश फाइनेंशियल अथॉरिटीज़ उन्होंने डिसाइड किया इससे दूर जाने का 2017 में। ओके, क्यों? आफ्टर डिस्कवरिंग दैट सम लार्ज बैंक्स जो थी वो मैनिपुलेट कर रही थी रेफरेंस रेट जो था अप डाउन कर रही थी बाई प्रोवाइडिंग फॉल्स डेटा। यहाँ पे हम बात करते हैं लिबोर के बारे में, मतलब कि लंडन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट के बारे में। लिबोर के बारे में बात करें तो यहाँ पे बेंचमार्क रेट क्या है? लिबोर जो होता है ये ग्लोबल बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट है जिसपे कि ग्लोबल बैंक्स जो होते हैं वो लेंड करते हैं टू वन अनादर, एक दूसरे को, इन द इंटरनेशनल इंटरबैंक मार्केट में शॉर्ट टर्म लोन्स के लिए। ओके, फाइनेंशियल बेंचमार्क क्या होता है? ये इंडाइसेस हैं, वैल्यूज़ हैं या फिर रेफरेंस रेट्स हैं फॉर द पर्पस, कौन से पर्पस के लिए? प्राइसिंग हो गया, सेटलमेंट हो गया एंड वैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए। रेगुलेशन की बात करें तो 2014 से पहले लिबोर जो था वो एडमिनिस्टर किया जाता था बाय द ब्रिटिश बैंकर्स एसोसिएशन एंड उसके बाद क्या हुआ कि मेंटेनेंस जो था इस बेंचमार्क का वो लाया गया अंडर द परव्यू ऑफ UK फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी दैट इज़ FCA। कैलकुलेशन कैसे होता है? बिफोर 2021 क्या होता था? लिबोर कैलकुलेट किया जाता था यूजिंग 5 करेंसीज़, US डॉलर, यूरो, पाउंड, स्विस फ्रैंक एंड जैपनीज़ येन। यहाँ पे चाइना की रन में भी नहीं है, यहाँ पे याद रखो। ओके, फॉर 7 टेनर्स। टेनर्स क्या होता है यहाँ पे? ये वो लेंथ ऑफ टाइम होता है जो कि लिया जाता है बोरोवर के द्वारा रीपे करने के लिए लोन को अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। ओके, आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ, जो अनाउंसमेंट हुआ फेस रोल बैक का 2021 में, तो क्या किया गया? ओनली US डॉलर लिबोर जो था वो अलाउड है पब्लिश करने के लिए। यहाँ पे लिबोर ट्रांजिशन बेनिफिट्स क्या हैं इंडिया के लिए वो देखते हैं। पहला यहाँ पे रिडक्शन इन फाइनेंसिंग कॉस्ट, रिडक्शन होगा फाइनेंसिंग कॉस्ट में क्योंकि कैलकुलेशन जो है रेफरेंस रेट्स का आगे चल के वो काफ़ी रोबस्ट एंड ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। देन बोरोइंग कॉस्ट रिड्यूस हो जाएंगी क्योंकि लेंडर्स एंड इन्वेस्टर्स जो हैं उन्हें रिक्वायरमेंट होगी कि लोअर इंटरेस्ट रेट्स और स्प्रेड्स रहें, कंपटीशन और ज़्यादा हो जाएगा। ओके, उसकी वजह से बोरोइंग कॉस्ट रिड्यूस होंगी। द इंट्रोडक्शन जो है अल्टरनेट रेफरेंस रेट्स का वो में इंट्रोड्यूस, उसकी वजह से कंपटीशन और ज़्यादा हो सकता है इन मार्केट रेफरेंस रेट्स के लिए। देन यहाँ पे अल्टरनेटिव्स क्या है लिबोर के लिए वो देखते हैं। US का सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट SOFR है, यूरोप का यूरोप इंटरबैंक ऑफर्ड यूरोबोर है, देन जापान का टोक्यो इंटरबैंक ऑफर्ड रेट है दैट इज़ टिबोर, देन चाइना का यहाँ पे शिबोर है शंघाई इंटरबैंक ऑफर्ड रेट, देन इंडिया का यहाँ पे MIFOR है मीन्स मॉडिफाइड मुंबई इंटरबैंक फॉरवर्ड आउटराइट रेट। देन यहाँ पे हम नेक्स्ट देखते हैं इंडियाज़ ट्रांजिशन सिनेरियो। इंडिया का ट्रांजिशन सिनेरियो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है अल्टरनेटिव रेफरेंस रेट्स ARRs, जो RBI है उसने इस्टेब्लिश किया है एक सिस्टम ऑफ अल्टरनेटिव रेफरेंस रेट्स जो कि अलाउ करेगा बैंक्स को चूज करने के लिए रेट्स फ्रॉम अ बास्केट ऑफ करेंसीज रादर देन कि ब्रिटिश पाउंड से कर लो ओके फॉर इंटर बैंक इंटरनेशनल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के लिए। आरबीआई ने ऐड किया है मॉडिफाइड MIFOR जो है मुंबई इंटर बैंक फॉरवर्ड आउटराइट रेट, या आप याद रख सकते हो, इसके बारे में भी पढ़ लेना, अच्छे से ऊपर दिया था, जो कि मॉडिफाइड MIFOR टू द लिस्ट ऑफ सिग्निफिकेंट बेंचमार्क्स एडमिनिस्टर्ड बाई FBIL जो FBIL एडमिनिस्टर करता है। देन यहाँ पे फॉल बैक क्लॉज दिया गया है, आरबीआई ने पुश किया है इंसर्शन के लिए फॉल बैक क्लॉजेस के इन ऑल जो भी रिमेनिंग लेगेसी फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनमें, जो कि रेफरेंस करते हैं LIBOR या MIFOR को। क्यों फॉल बैक क्लॉज क्या है यहाँ पे? ये रेफर करता है एक एग्रीमेंट को जो कि होता है रिवाइज कंसिडरेशंस के लिए, जबकि रेफरेंस रेट है जो अब पब्लिश नहीं होगा उसके लिए ओके, जो कि इंपॉर्टेंट है किस लिए? ट्रांसपेरेंसी एंड कंसिस्टेंसी के लिए। देन यहाँ पे बात की गई है फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड दैट इज FBIL की। जेनेसिस कैसे हुआ था इसका? ये फॉर्म किया गया था 2014 में एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट ऑफ 2013। ये जॉइंटली ओन की जाती है बाय फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया दैट इज FIMMDA, फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया FEDA फेडा एंड इंडियन बैंक एसोसिएशन IBA द्वारा। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? इसका एम है डेवलप करना एंड एडमिनिस्टर करना बेंचमार्क्स को रिलेटिंग टू मनी मार्केट एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ एंड फॉरेन एक्सचेंज इन इंडिया। रेगुलेशन क्या है? FBI को रेगुलेट करता है सीधा सीधा RBI। देन यहाँ पे फंक्शंस दिए हुए हैं FBIL के, ये कलेक्शन एंड सबमिशन करता है मार्केट डेटा एंड इन्फॉर्मेशन का इंक्लूडिंग पोल्ड डेटा जो भी होता है, फॉर्मुलेशन एडॉप्शन एंड पीरियोडिक रिव्यू करता है बेंचमार्क कैलकुलेशन मेथडोलॉजीज़ का, देन कैलकुलेशन पब्लिकेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन करता है बेंचमार्क का। सो इसी के साथ ही ये सारे टॉपिक्स यहाँ पे इस लेक्चर में ख़त्म होते हैं। आइए आपको शो कर दूँ कि नेक्स्ट टॉपिक्स कौन कौन से हैं। सो हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे पेमेंट सिस्टम्स एंड फाइनेंशियल मार्केट्स एंड प्लीज़ आप इंस्टाग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे फॉलो कर सकते हो, क्योंकि आपकी ही वजह से यहाँ पे भी मैं बढ़ा हूँ, वहाँ पे बढ़ सकता हूँ। सो प्लीज़ सपोर्ट मी एंड जाके वहाँ पे आप पोस्ट भी कर सकते हो क्या आपको चाहिए, आई विल प्रोवाइड यू ओके। सो टेक केयर, बाय बाय एंड प्लीज़ कीप शेयरिंग एंड कीप वॉचिंग दीज वीडियोज़ बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। थैंक यू।